प्रोजेक्ट के कुछ टास्क रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होते रहते हैं, मसलन चेंज कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग, बाई वीकली स्टेटस मीटिंग, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह। ऐसे मल्टीपल टाइम होने वाले टास्क को हम रिकरिंग टास्क के तौर पर एंटर करते हैं। हम एक इंडिविजुअल अकरेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन को सेट करते हैं और प्रोजेक्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी एंटर कर देते हैं। प्रोजेक्ट हर एक अकरेंस के लिए एक इंडिविजुअल टास्क और तमाम अकरेंस के लिए एक समरी टास्क क्रिएट करता है। राइट नाउ हमने गैंट चार्ट व्यू को ओपन किया हुआ है। हम मार्केटिंग फेज में एक टास्क को ऐड करना चाहते हैं, मसलन बुक का ऑथर मार्केटिंग फेज के ड्यूरेशन में वीकली बेसिस पर पब्लिक को अपडेट करना चाह रहा है, इसलिए हम अपडेट पब्लिक के नाम से एक रिकरिंग टास्क को ऐड करना चाहते हैं। हम टास्क नेम के कॉलम में एक ब्लैंक सेल पर क्लिक करेंगे और फिर टास्क टैब के इंसर्ट ग्रुप में टास्क के साथ जो ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है उसे एक्टिवेट कर लेंगे और अब मेन्यू में से रिकरिंग टास्क पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने रिकरिंग टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें टास्क नेम में हम टास्क का नाम टाइप करेंगे। हमने टास्क नेम में अपडेट पब्लिक टाइप कर लिया। ड्यूरेशन में हम वन डे ही रहने देते हैं। रिकरेंस पैटर्न के सेक्शन में हम डेली, वीकली, मंथली या ईयरली के दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर हम डेली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि अकरेंस के दरमियान कितने दिन होंगे। वर्किंग और नॉन वर्किंग डेज के अकरेंस की स्केजलिंग के लिए हमें डेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ वर्क डेज को स्केजल करना चाहते हों तो वर्क डेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह वीकली के ऑप्शन को चूज़ करने पर हमें वीक के डेज को चूज़ करना पड़ता है। अकरेंस के हर दिन के चेकबॉक्स को हमें टर्न ऑन रखना पड़ेगा। अगर हमने मंथली के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हम मंथ के डेट को सिलेक्ट करेंगे या मंथ के पर्टिकुलर वीक के पर्टिकुलर डे को सिलेक्ट करेंगे। अब ईयरली के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ईयरली के ऑप्शन को सिलेक्ट करने की सूरत में हम पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे विद इन द ईयर को पिक करेंगे। हम वीकली के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। चूंकि ऑथर हर वीकेंड पर पब्लिक को अपडेट करना चाहता है, इसलिए हम सैटरडे को चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ रेंज ऑफ रिकरेंस दिया हुआ है। अब हमें यहाँ ये इंडिकेट करना है कि रिकरिंग टास्क कब शुरू होगा। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया था कि टास्क मार्केटिंग फेज के दरमियान होगा, इसलिए हम स्टार्ट डेट में जनवरी 2013 की डेट को एंटर करेंगे। अब हम स्टार्ट डेट को एंटर करेंगे। हमने डेट को एंटर कर लिया। एंड डेट में ऑटोमेटिकली डेट फिल हो गई है, जो कि मार्केटिंग फेज की ड्यूरेशन की एंड डेट है। अब यहाँ पे हमें एंड आफ्टर और एंड बाय की दो चॉइसेस दी गई है, जिसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। हम एंड आफ्टर को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ अकरेंस को चूज़ कर सकते हैं, ताकि रिकरिंग टास्क कितनी बार रिपीट हुआ उसका प्रोजेक्ट को अंदाज़ा हो जाए, या हम एंड बाय को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड डेट दे सकते हैं। हम एंड बाय को सिलेक्ट रहने देते हैं और रिकरिंग एंड डेट भी यहाँ पे दी गई है। अब ओके पर क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट ने रिकरिंग टास्क को इंसर्ट कर दिया है। तमाम इंडिविजुअल अकरेंस को देखने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। इंडिकेटर कॉलम में हमें एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि ये एक रिकरिंग टास्क है। अगर इंडिकेटर पर माउस का पॉइंटर हवर करते हैं तो हमें रिकरिंग टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन भी नज़र आती है। अब हम रिकरिंग टास्क पर डबल क्लिक करते हैं। इसके साथ ही रिकरिंग टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाता है। अब हम रिकरिंग टास्क के रिव्यू को कंक्लूड करते हैं।